हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने एक अलग सा डिश लेके आई हूँ, रोज़ा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटी एंड पिज्जा। हम लोग का इंडियन वर्जन ऑफ पिज्जा, रोटी और पिज्जा को मिला के एक नया डिश बनाया जाता है, इसे कहते हैं रोज़ा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक कप आटा और एक कप मैदा लिया है। आप लोग चाहे तो सिर्फ आटा या सिर्फ मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं अराउंड 3 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल दूंगी। और इसे हम लोग जैसे रोटी बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमें आटा तैयार कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। रोटी बनाने के लिए जैसे आटा तैयार करते हैं वैसे ही कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी दे के हम लोग इसका एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने आटा तैयार कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा ऑयल ब्रश कर दूंगी और इसे अराउंड 30 मिनट्स के लिए हम लोग ढक के रख देंगे। दोनों साइड से ऑयल लगा लेंगे। और इसे एक कपड़े से ढक के मैं 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी और तब तक हम लोग फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। तो फिलिंग के लिए मैंने क्या क्या लिया है आइए देखते हैं। तो ये है चिकन कीमा लिया है मैंने, इसमें अराउंड 200 ग्राम होगा कीमा। ये एक बड़े साइज के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये कैप्सिकम है, इसे भी लंबा स्लाइस कर लिया है मैंने। ये चीज़ है, चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं, ग्रेट करके लिया है अराउंड 2-3 क्यूब्स। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, नमक है, आप लोग स्वाद अनुसार ले लीजिए, रेड चिल्ली पाउडर है। ये मैंने मिक्स्ड हर्ब्स लिया है, अगर आप लोग चाहे तो ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये है टोमेटो केचप है, अगर आप लोग इसके जगह पे पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पैन गरम कर लेंगे। इसमें मैं अराउंड 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालूंगी, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये तेल गर्म होने के बाद हम लोग प्याज फ्राई कर लेंगे इसमें। ये प्याज आधा करीब जब फ्राई हो जाएगा फिर हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। अभी इसे अच्छे से फ्राई करना होगा ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए, तब तक फ्राई करेंगे हम लोग। ये फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दिया मैंने और इसके साथ मसाले भी ऐड कर दूंगी, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे हम लोग, ढक्कन लगा देंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, अराउंड 5-6 to 7 मिनट्स में पक जाएंगे। ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें इसे कवर करके रख दूंगी। ये देखिए चिकन हम लोग का अच्छे से गल गया है, पूरा पक गया है। अब बस हम लोग रोटी की तैयारी करते हैं। तो एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैंने रोटी जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी बेलते हैं एग्जैक्टली वैसे ही उसे बेल के लिया है मैंने। और इसे हम लोग एक साइड से थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर बाद तो बबल्स आएंगे ना, उसके बाद हम लोग इसे पलट देंगे। पूरी तरह से रोटी को नहीं पकाना है। ये देखिए इतना ही पकाना है हमें एक साइड से, और दूसरे साइड से इससे थोड़ा ज़्यादा पकाना है।
मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये साइड पलट के। ये देखिए एक साइड से थोड़ा सा कम है, एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे करके हम लोग दोनों रोटी ऐसे तैयार कर लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं एक साइड से थोड़ा सा कम पका है और ये ज़्यादा पका है, तो ये जो साइड में ज़्यादा पका है उस साइड में हम लोग केचप लगाएंगे। अभी इस पैन में मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया मैंने, आप लोग चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं या तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो सॉस लगा हुआ साइड ऊपर रख के इसे इसमें दे दिया मैंने तवा में। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी। इस रेसिपी में चीज़ हमें काफ़ी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ जो है वही मेल्ट होकर दोनों रोटियों को एक दूसरे से चिपका देता है, इसलिए चीज़ चाहिए ही हमें। अभी चीज़ का एक लेयर दे दिया, अब मैं इसमें ये चिकन का लेयर ऐड करूँगी। ये कैप्सिकम, और इसके ऊपर एक और चीज़ का लेयर। अभी इसे दूसरे रोटी से हम लोग ढक देंगे, सॉस लगा हुआ साइड नीचे रख के इसे ढक देंगे और इसे हल्के हाथ से ऐसे दबाते हुए हम लोग ऐसे पकाएंगे। इसे दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ मेल्ट होके ये दोनों रोटी जो है चिपक जाए। अभी इस ऊपर के साइड में भी हम लोग बटर ऐड कर देंगे ताकि ये जब साइड हम लोग ये इसे जब पलट देंगे इस साइड में भी हम लोग का रोटी सेक जाएगा। तब अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसे थोड़ा सा उठा के देखेंगे नीचे का साइड पका है या नहीं, हमें पता चल जाएगा। देखिए ऐसा ब्राउन कलर का हो गया, मतलब ये पक गया है। अब मैं इसे बहुत आराम से हमें पलट देना है। अभी दूसरे साइड को भी वैसे ही चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए इस साइड से भी हो गया है, तो हम लोग का ये चिकन रोज़ा बन के तैयार हो गया है। तो देखिए कितना इजीली बन गया है। अगर आप लोग को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू।